आपका सो नाम दिया बेटी बात कर सकती नहीं कर सकती ना, ना, वो भी नहीं, वो भी कर सकती ये तो आगे आगे बोला वो कुछ भी नहीं बोला पे डाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे ये निगाह मस्ती की मस्तियां ये निगाह मस्ती की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चौधरी मुरादाद मीर मानसरा कालेदरा में मौजूद है। मेरे साथ ये माजूर बच्चे और तीन बच्चे हैं माजूर, आप हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं कि इनकी हम जो है वो कवरेज कर सकें। तो ये मेरे साथ जो है एक घराना है जिसके मुखलसी जिसके जो है ना तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियाँ, दो बेटियाँ माजूर और एक बेटा इनकी परवरिश कर रही है और दूसरी बड़ी बेटी इसकी है और एक बेटी और भी है वो हम सामने नहीं आई। तो ये घर के जो है यहाँ कुलगान मोड़ रहते हैं और किराए का मकान है और यहाँ बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और ये कमाने वाला भी जो है कोई भी नहीं, बेसारो समानी की हालत में। तो इस महंगाई के दौर में और वो मुफ्ती के दौर में जो है यहाँ पे कोई बेसरा सरमानी की हालत में, इनके वालद साहब इनका जो है दिहाड़ी लगा कर जो है इनका पेट पालते हैं और मकान भी इनका किराए के, ये इनसे बात करते हैं ये किस तरह इनकी बच्चों की अपनी परवरिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बड़े बेटे की उम्र कितनी है, ये बेटी बड़ी है बेटा बड़ा कितने? वो तीन बच्ची एक बच्चा है, वो ये बड़ा बच्चा है, बच्ची है मेरा, उसको उम्र तकरीबन 30-31 साल उम्र है, इसका 28 साल उम्र है, वो तीसरा का तकरीबन 12 साल उम्र 13 साल उम्र में है जी। ये तीन मजदूर बच्चे बच्चे शुरू से ही मजदूर है, मसलन जैन काम करते हैं? जैन तो काम कर सकता है बोले, बाद में इसका पता नहीं है शुरू से या बाद में, ये तो अल्लाह जाने, ये बीमारी वजह से इस रंग हो गया वो पता नहीं है, वो ये बच्चा जल्जले साल में पता नहीं है डर गया या इस रंग हुआ तो ये मालूम ही नहीं है। अच्छा जी, टोटल कितने बच्चे हैं आपके? टोटल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बाल बच्चा 13 है। ये तीन माजूर है? तीन माजूर है, वो तीन माजूर में ये दो तो नहीं चल सकता है ना बात भी सकता है, वो तीसरा है वो छोटा, वो बात सकता है तो चल भी सकता है वाले, उसका दिमाग काम नहीं करता है, बोलो पलियर चा दो लोटका देता है, बोलो ये कौन है मेरा भी बोलेगा ये मेरा बाप नहीं है, मेरा रिश्तेदार है, या इधर किसी बच्चे बच्ची के साथ झगड़ा खफा होता है तो पड़ोसी का गली करता है, उसका ये काम है, दिमाग उसे बिल्कुल काम नहीं कर सकता। अच्छा, लड़ता झगड़ता भी है, मारता भी है? ना ये लड़ता मारता तो नहीं है, वो दूसरा तो मारता भी है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं आपका गुजर बसर किस तरह होता है, कारोबार किस तरह क्या करते हैं आप? कारोबार तो आला तो कुछ भी नहीं है आजकल, कुछ भी नहीं, वो अल्लाह के सामने मैंने ये सारा लोग का मेरे पड़ोसी का पता है तो मकरूज भी है, कारोबार भी नहीं है, महंगाई भी है, वो हालत तो आपको भी मालूम है, सारा लोग का भी मालूम आते हैं, ये कितना गिरद नवाई मेरा पड़ोसी है, कोई जान पहचान वाला है, सारा मेरा जानता है तो वो हालत उसका भी पता है, कोई बंदा का कोई ज़कात खैरात आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो वो तो काम कुछ भी नहीं है तो। हालत तो है जी, इस रंग भी है जी। अच्छा, मेडिकल वगैरह ये क्या ट्रीटमेंट कराते हैं इनका डॉक्टर के वाले से या खाने पीने का क्या? डॉक्टर के पास तो ले जाएगा, इसका उठाना भी बहुत मुश्किल है, ये रास्ता आपको पता है, रास्ता भी नहीं है, गाड़ी का रास्ता भी नहीं है, वो गाड़ी का वस कुदरत भी नहीं है। अगला दिन तकरीबन हफ्ता पहले बीमार हो गया, इसका मैंने एक डॉक्टर का जारी मिन्नत किया, इधर आ गया, इसका खून मुन ले कर गया लेबॉरेटरी में चेक करवाएगा, वो भी पैसा नहीं लिया, वो 1000 रुपये उस दवाई, इसका दवाई वासी थे दूसरा बंदे ने दिया, दवाई लाया टेस्ट से बाद, वो टेस्ट उसका मैंने डॉक्टर के पास ले गया, इसका उठाना ना मेरे पास कोई गाड़ी है ना मेरे पास कोई मोटर स्केल है, वो आजकल तो
ये जगह कॉलेज ड्राइव तक में 200 रुपये टैक्सी मंगता था, वो इधर ना खड़ा हो जाएगा ना उसका इंतज़ार होता है इसका, ये कुछ भी सीन नहीं है मेरे पास, ना मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है ना सोजाकी है, इसको उठाना ले जाना आना, बीमार हो जाएगा जारी मिना से इसका कोई दवाई मवाई ला कर इसका दे, बस सब सारा है बस ये मसला है। थोड़ा सा बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सो नाम दिया बेटी बेटी बात कर सकती है नहीं कर सकती? ना ना वो भी नहीं, वो भी नहीं कर सकती। ये तो आधे अभी बोला, वो कुछ भी नहीं बोलेगा जी। हाँ ये तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तीसरा तो ये बात कर सकते हैं, बोले वो दिमाग उसके नहीं है। हाँ उसका दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है उसको। अभी पूछो कौन है आखिर, ये मेरा अबू है, इसका समझ नहीं आता, ये मेरा बहन है भाई है, ये नहीं समझ नहीं आता। जी नाजरीन, ये जो है वाले साहब इनके इनसे हमसे बात की और बच्चों के वाले साहब ने बात की, तीन बच्चे हैं जो बच्चे मजदूर हैं और बोल भी नहीं सकते और चल फिर भी सकते, इनके लिए बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई के इस दौर में जो है ये मकान जो वो किराए का मकान लेकर देना और इनकी कफालत करना, इनको उठाकर बाथरूम को लेकर जाना और इनकी परवरिश करना इस दौर के अंदर बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर एक बच्चा अगर मजदूर किसी घर में हो तो उनकी परवरिश करना, संभालना, उनकी केयर करनी, उनकी हिफाजत करनी, उनकी देखभाल करनी मुश्किल होती है। जिस घर में अगर तीन बच्चे मजदूर हों तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल नागुजीर हो जाता है। दूसरा कोई ऐसा वसाइल भी नहीं है, कोई ज़राए भी नहीं है कि हम ये कमा सकें या उनको बच्चों को खिला सकें या डॉक्टर में डॉक्टर के हवाले या बीमार हो सकें उनको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जा सके। मुफरसी की दौरे का मुफरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मकान भी किराए के। मेरी देखने वाले मुखीर हजरात से हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी चाहने वाले मुखीर हजरात हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ आप जो भी हो सके इनके साथ तावन करें। मैं इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर आपको दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट इनसे रब्ता कीजिएगा, जो भी हस्पे दर्द सोहन जो भी आप जिस मुखीर हजरात से हो सके इनके साथ तावन करें ताकि दुनिया और आखिरत आपकी अच्छी हो सके और इन गरीबों के साथ मदद करना आपकी दोनों जहाँ की कामयाबी हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है इनके साथ ज़रूर तावन करेंगे और ताकि आपकी ये निगाहें मस्तिक की मस्तियाँ, ये निगाहें मस्तिक की मस्तियाँ किसी बद नसीब पे डाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। मैं कदा को दवाम हो, मेरे साकियों को जमाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाहें मस्ती की मस्तियां, ये निगाहें मस्ती की मस्तियां किसी बद नसीब पे डाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वहशतों की ये मौत है। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वहशतों की ये मौत है। वो तेरा जुनू मुझ पर रहता हो, तेरा जुनू मुझ पर रहता हो, तेरा जुनू मुझ पर रहता मुझे जन्नतों से निकाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे।